का चैप्टर 7 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तो इस चैप्टर में कुछ चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसी को थोड़ा सा रिफ्रेश करके आगे चलेंगे। पहले मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के दो एरियाज हैं, एक मैट्रिक्स दूसरा डिटरमिनेंट। तो पहले मैंने पहला एरिया स्टार्ट किया हुआ है, मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं। मैट्रिक्स को मैंने डिफाइन किया, मैंने बताया कि जब भी हम नंबर्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करें तो उस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ठीक हो गया? तो मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया पहले, फिर मैंने आपको बताया कि हर मैट्रिक्स का एक साइज होता है और उस साइज को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज पढ़ने का रूल क्या है, उसूल क्या बताया, किसी को याद है? यादे माजी अजाब है यार, किसी को याद है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का साइज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ पढ़ाया है भाई, ये तरीका है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का साइज पढ़ने का, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑब्जेक्टिव में कोई मैट्रिक्स आपको दिखाया जाए और आपसे कहा जा रहा है कि इसका साइज ये है, चार नीचे ऑप्शन हो और एक जो सही साइज होगा वो आपको टिक करना होगा, तो आपको रूल पता होना चाहिए कि साइज कैसे पढ़ा जाता है। ठीक हो गई बात? इसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया वो था ट्रांसपोज मैट्रिक्स, याद है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स? अगर किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर लें, जो रो में लिखा है उसे कॉलम में लिख दें या जो कॉलम में लिखा है उसे रो में लिख दें, तो इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। ट्रांसपोज मींस इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है अगर आपसे कहा जाता है कि इसका ट्रांसपोज करो तो इसका मतलब है उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करो, ये बात भी बता दी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स ऑपरेशन, जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, और मैट्रिक्स ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बताया, हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि किसी भी दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करना चाहे या सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? ऑर्डर्स मस्ट बी सेम, मैट्रिक्स का साइज सेम होनी चाहिए। जिनको आप ऐड कर रहे हैं या जिनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके ऑर्डर्स या उनके साइजेस सेम होने चाहिए, तो वो ऐड हो सकेंगे, तो वो सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे, वरना ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल ना होगा। ये बुनियादी बात पहले बताई, फिर उसके बाद बताया कि अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, जिसके सामने जो नंबर होगा वो ऐड करते जाएंगे, जिसके सामने जो नंबर होगा वो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो आइए एक आध दो एग्जांपल और प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद यहां से आगे चलेंगे। किसी के पास बुक है?
तो यहां मैट्रिक्स ऑपरेशंस में थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ये आपके पेपर से ले रहा हूं, जो एग्जामिनेशन पेपर है उसमें से कोई क्वेश्चन में ले रहा हूं। कंसीडर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 130 माइनस 141 2 माइनस 51 25 माइनस 1। मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो गिवन टू यू 0 to 1 3 0 5 7 minus 6 0। So A and B are two matrices made available to you. Find if possible. Two A plus 3B. Three A minus 2B. अब आप देखें, एक में एडिशन है, एक में सब्ट्रैक्शन है, दो ऑपरेशन है, एक में एडिशन और एक में सब्ट्रैक्शन है। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है आपको। पहला काम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है भी या नहीं, इन वैल्यूज को निकालना पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए, ए का साइज क्या है, 3/3। रूल अभी लिखा था ना मैंने, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। कितनी रोज है, कितने कॉलम है, सो 3/3। मैट्रिक्स बी का क्या साइज है, 3/3 अगेन। अब आप ए और बी को ऐड करना चाहते हैं, क्या उनके साइज सेम है, ए का साइज कितना है, बी का साइज कितना है, साइज सेम है, तो ये हो जाएगा। आप ए में से बी को माइनस करना चाहते हैं, क्या मैट्रिक्स के साइजेस सेम है, ए का साइज कितना है, ए का साइज कितना है, 3/3, 3 rows 3 columns, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। साइज बी का कितना है, 3 columns 3 rows 3 columns 3/3 है,
थ्री कॉलम्स, थ्री बाई थ्री अगेन, गलत लिखा है मैंने, थ्री बाई थ्री। अब इन दोनों को ऐड करना है तो साइज सेम है, ये पॉसिबल है। इसको इसमें से माइनस करना है, साइज सेम है, ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है तो करना है। आइए करते हैं, हाउ टू डू इट। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 2a प्लस 3b की, यहां लिखो ऑपरेशन लिखो, दिस इज द ऑपरेशन। और आपने चेक किया है कि दिस ऑपरेशन इज पॉसिबल, एग्रीड, यू हैव चेक्ड इट फर्स्ट, दिस इज पॉसिबल ऑपरेशन। बस अब इसमें a और b की वैल्यू डाल दो, 2a की जगह मैट्रिक्स आएगा वो वाला, 1 माइनस 1 2 3 4 5 0 1 माइनस 1 प्लस 3 अपनी जगह पर है, b की जगह मैट्रिक्स आएगा 0 2 1 3 0 5 7 माइनस 6 0। एना मीठा तो बस इसके आगे कौन सा नंबर है, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उनके आगे कौन सा नंबर है, उन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। खेलो, 2 माइनस 2 4 6 के 10 0 2 माइनस 2, ये तो हो गया 2 से मल्टीप्लाई, और इसके बाद 3 है प्लस, ये रहने दो, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना। तो सबको अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एग्री। और वहां सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब करेंगे ऐड, इनके बीच में साइन किसका है, प्लस का, नाउ दे विल बी एडेड, कैरी ऑन। 2 के सामने कौन है, 2 के सामने कौन है, 0, तो 2 में 0 को ऐड कर देंगे, और माइनस 2 के सामने कौन है, प्लस 6, और 4 के सामने कौन है, 4 प्लस 3, और 6 के सामने कौन है, 6 प्लस 9, और 8 के सामने कौन है, और 10 के सामने, और 0 प्लस, और 2 प्लस माइनस 18 ब्रैकेट में डाल दिया मैंने ताकि ठंडा ना हो जाए साइन का, ये 2 है, ये वाला प्लस ये रहा और माइनस 18 ये रहा, ठीक हो गया ना। और ये है माइनस 2, माइनस 2 और ये वाला प्लस और 0। अब समय प्लेस है तो आंसर आ गया 2 प्लस 0, व्हाट इज 2 प्लस 0, 6 माइनस 2, 4 प्लस 3, 6 प्लस 9, 8 प्लस 0, 10 प्लस 15, 0 प्लस 21, ये क्या होता है, प्लस माइनस, यहां देखें, यहां प्लस माइनस, तो 2 माइनस 18 क्या होगा, 2 माइनस 18 देखा, माइनस 16, 2 माइनस 18 इज माइनस 16, 18 माइनस 2 इज 16, 2 माइनस 18 इज माइनस 16, माइनस लिखना भूल ना जाना, और माइनस 2 प्लस 0, गेम इज ओवर, दिस इज द आंसर, है ना मीठा। सेकेंड पार्ट,
कॉपी कर ले तो फिर मैं इसको मिटा दूं तो जगह मिल जाए, फिर सेकंड पार्ट करना है। इसमें सब्ट्रैक्शन है, माइनस करना है। पॉसिबल है या नहीं? अगर ऐड करना मुमकिन है तो सब्ट्रैक्ट करना भी मुमकिन होगा, क्योंकि दोनों की शर्त तो एक ही है ना, ऑर्डर्स मस्ट बी सेम। बिठा दिए। अब मैं करूंगा पार्ट टू। इसकी वैल्यू निकालनी है 3a-2b। थ्री ए की जगह a डाल दो, 1, 3, 0। ये a आ गया। फिर है माइनस, ये माइनस, फिर टू, फिर b की जगह b डाल दो, याद देखिएगा माइनस माइनस 3 + 12। माइनस माइनस प्लस 3 + 12 करेगा। आगे समझ में सबको? इधर ये सवाल लिख रहा हूं, देखो अगर कर लो तो। कंसीडर ए is given
बी दो है, एक निकाल ली है 2a प्लस बी की वैल्यू और एक निकाल ली है 3a माइनस 2b, b के ऊपर क्या लिखा हुआ है। हो जाएंगे पहला वाला हो जाएगा क्यों नहीं होगा पहला वाला ए का साइज कितना है, ए का ऑर्डर कौन बताने वाला है इसका ऑर्डर 3/2, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं ये 3/2 है और बी का ऑर्डर कितना है 2/3, रो 2 है एक और 2 और कॉलम 1, 2, 2/3 इसका ऑर्डर है। तो ऐड करने के लिए शर्त क्या रखी थी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए का ऑर्डर है 3/2, बी का ऑर्डर है, तो ये पॉसिबल नहीं है, 2a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। लिख दूं टू ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। ये एडिशन हो नहीं सकती क्योंकि ए का साइज है 3/2 और बी का साइज है 2/3, तो ये एडिशन नामुमकिन है। ऐड करने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। सेकंड पार्ट हो जाएगा, पॉसिबल है सेकंड, यस और नो, कैसे ये बी पर क्या है ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में क्या होगा ये बी का साइज कितना है। अच्छा जब आप ट्रांसपोज करेंगे ना तो फिर बी का साइज 3/2 हो जाएगा और ए का कितना है, ये सेम हो गया ना साइज दोनों का, ए का 3/2 है, बी का तो 2/3 है लेकिन बी पर ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज के बाद ऑर्डर 3/2 हो जाएगा, ऑर्डर दोनों के सेम हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, इसका मतलब है ये पॉसिबल है। तो आओ फिर करना पड़ेगा, अब तो नॉट पॉसिबल नहीं लिख सकता ना मैं, कैसे करूंगा ऐसे, पहले नियत कर लो 3a माइनस 2b ट्रांसपोज, चल पड़ा है, चल क्यों पड़ा, इसलिए कि पॉसिबल है, पॉसिबल ना होता तो लिख देता नॉट पॉसिबल जैसे पीछे लिख दिया था। 3 को कॉपी कर लो, एक ही जगह ए लिख लो, एक और है 1, 3, 4, 2, 1, 5 माइनस 2 अपनी जगह है ये 2, बी की जगह बी लिख लो 1, 3, 6, 2, 4 और B के ऊपर क्या है वो T या लिख दो, कोई अनोखा काम नहीं किया मैंने, सिर्फ वैल्यू डाल दी है इसमें, देखें A की जगह मैट्रिक्स A डाल दिया है और B की जगह मैट्रिक्स B डाल दिया है और B के ऊपर T लिखा है तो इसके ऊपर भी T लिखा है, एग्री। अब पहला काम क्या करूंगा, T हटा दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा तो टी हट जाएगा, इस टी को पहले हटाना है तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ट्रांसपोज कैसे करते हैं कोई बताएगा,
क्या होता है ट्रांसपोज, कैसे करते हैं? रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, कर लो ट्रांसपोज, यहां है इसका करना है, उसका नहीं करना, इसका करना है। तो इसको तो आप झू का टू कॉपी कर लें एज इट इज, इसको कुछ ना करें, कॉपी कर लें, टू को भी कॉपी कर लें, अब कर लें ट्रांसपोज, टी हटा दिया है मैंने इसमें से, जब टी हटेगा तो क्या होगा, ये रो 136 यू लिखी हुई है, ये यू लिख दूंगा, ये 247 यू लिखा हुआ है, यू इसे यू लिख दूंगा, टी हट गया, क्लियर, अंडरस्टूड। अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये 2 से कर लो माइनस, बीच में छोड़ देना, है ना मीठा, और अब माइनस कर लो, तो आसान है, 3 माइनस 2 6 माइनस 4 9 माइनस 6 3 माइनस 8 12 माइनस 12 15 माइनस 14 सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, इट इज हियर 150 2 माइनस 5 1 दिस इज द फाइनल आंसर। देखे आपने कितना सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, एक स्टेप लाइन बाय लाइन, कोई कंफ्यूजन नहीं है काम में, वेरी सिस्टमेटिकली सॉल्व है। भी बचेगा अपने पहले भी मिल रहा है, मेरी कश्ती डूब गई लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पास या फेल होने का कोई खतरा नहीं है, आपको तो है। So you have seen how this presentation, किस तरह ये काम किया करके दिखाया गया है, फॉलो द स्टेप, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं खुद कर ले। चेक कर लेना, पॉसिबल हो तो करना, ना पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले वो ऑपरेशन होगा, पहले ब्रैकेट होगा ना सॉल्व, बी में से ये माइनस हो जाएगा, ये चेक कर लो पहले, बी का साइज कितना है और ए का साइज कितना है, साइज सेम है तो बी और ए माइनस हो जाएगा, फिर जब आखिर में आंसर आ जाए ना बी और ए को माइनस करके, तो आखिर में दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा के ट्रांसपोज ले लेना, आंसर आंसर आ गया, उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों साइड पर लिख रहा ट्रांसपोज,
अच्छा ये मस्ते बीच में क्यों लिखा है दिवोरे दिवोरे बीच में क्यों लिखा है यह नाम लिखना जरूरत की जरूरत नहीं है देखो मैंने इधर किसी में भी कई नाम नहीं आ रहे या बी कैलकुलेट कर रहे हैं या बी माइनस है और फिर बी जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पर फिर बी लिखा है उधर नहीं उधर उधर है ना लिखे ना इधर ही लेफ्ट ए की तरफ लिख लेना बी माइनस है बस काफी है हाँ ठीक है बीच में कुछ भी ना लिखे ठीक है तो पहले ये अंदर वाला ऑपरेशन करना होगा b माइनस a b और a को माइनस करना होगा पहले हाँ b माइनस a मियां साहब a में b प्लस कर लो या b में a प्लस कर लो आंसर एक आएगा लेकिन a में से b माइनस करो और b में से a माइनस करो आंसर एक नहीं आएगा एडिशन इज कम्यूटेटिव But subtraction is not commutative. ये तो ये है मेरा मिशन b minus a is equal to पहले b लिखना है 3 2 minus 1 4 minus फिर a लिखना है ये ऐसे लिखते हैं तो पहले मैं ब्रैकेट वाला काम कर रहा हूँ ये ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है b माइनस a दोनों सेम लिख दिए मैंने ऐसा क्यों किया मेरी कश्ती डूब क्यों जा रही है 4 6 5 अब सही b माइनस a अब माइनस कर लेता हूं पहले 3 2 3 माइनस 4 2 माइनस 6 माइनस वन माइनस फाइव फोर माइनस सेवन ये वैल्यू चल रही है किसकी जी किसकी बी माइनस ए की तो क्या मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है नहीं नहीं इस पर ट्रांसपोज भी करना है तो मैं ये कर लेता हूं यहां देखे लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने ट्रांसपोज डाला तो यहां राइट हैंड साइड पर भी ट्रांसपोज डाल दूंगा पहले इधर इधर टी डाल के इधर भी टी डाल दिया क्योंकि वैल्यू तो हमें इसकी चाहिए ना समझ आ गई अब इधर ट्रांसपोज टी हटा लो ट्रांसपोज कर दी क्या है आंसर माइनस वन माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस थ्री है ना अब टी हट जाएगा यहां से दिस इज द आंसर नहीं आई समझ हैं? भाई ये रो थी ना इसको कॉलम बना लिया ना मैंने ये भी रो थी इसको भी कॉलम बना लिया ट्रांसपोज कर लिया नहीं आया समझ काम करना सीखे इस तरह प्रेजेंटेशन के साथ काम करना तो इसको फॉलो कीजिए ठीक है इंशाल्लाह अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सिखाऊंगा क्या सिखाऊंगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये देखिए थैंक यू